नमस्कार दोस्तों, क्या आपका लीवर भी शराब का सेवन करने से डैमेज हो गया है? तो सावधान हो जाएं, क्योंकि लीवर के डैमेज होने से आपकी हेल्थ पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ सकता है। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी लीवर को कैसे डिटॉक्सिफाई कर सकते हो, या लीवर को हेल्दी रखने के लिए आपको डाइट में क्या क्या लेना चाहिए। लीवर और जिगर दो ऐसी ग्रंथि है जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो लीवर को हेल्दी रखना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आइए अब मैं बात करती हूँ डाइट के ऊपर कि आप लीवर को डिटॉक्सिफाई या हेल्दी रखने के लिए डाइट में क्या क्या ले सकते हैं। उससे पहले आप हमारे चैनल को जल्दी से जाके सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें, ताकि आप ऐसी हेल्थ से रिलेटेड वीडियो को मिस ना कर पाए। तो पहला आता है गार्लिक। गार्लिक में एलिसन और सेलेनियम नामक दो पदार्थ होते हैं जो लीवर को स्वस्थ रखने में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। साथ ही यह लीवर को डैमेज होने से भी प्रिवेंट करते हैं। इसके साथ आप अपने लीवर के लिए कच्चे लहसुन का इस्तेमाल कर सकते हो। 2 से 3 कलियां रोज सुबह लहसुन की खाएं। दूसरा आता है लेमन। लेमन भी लीवर को स्वस्थ रखने के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। इसमें डी लेमोनिन नामक एक पदार्थ होता है जो हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई या लीवर को डिटॉक्सिफाई करने के लिए सक्रिय करता है, जिससे जो लीवर होता है वो नॉर्मली या नेचुरली अपने आप को डिटॉक्सिफाई करता है। तो लेमन का इस्तेमाल आप लीवर को स्वस्थ रखने के लिए कर सकते हो। इसके साथ ही लेमन में विटामिन सी पाया जाता है जो लीवर को डाइजेस्टिव प्रोसेस के लिए एंजाइम प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। तीसरा आता है ग्रीन टी। ग्रीन टी का सेवन करने से आपके शरीर में जो इकट्ठे हुए वसा और दूषित पदार्थ होते हैं उनको रिमूव करने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। 2009 के एक कैंसर कॉजेज एंड कंट्रोल के अध्ययन में कहा गया है कि जो व्यक्ति रोज सुबह ग्रीन टी का इस्तेमाल करते हैं उन्हें लीवर कैंसर होने के बहुत कम चांसेस होते हैं। तो ग्रीन टी का इस्तेमाल करने से आप अपने लीवर को प्रोटेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट आता है हल्दी, यानी टर्मरिक। हल्दी का इस्तेमाल आप अपने लीवर को डिटॉक्सिफाई करने के साथ साथ लीवर को स्वस्थ रखने के लिए भी कर सकते हैं। हल्दी का इस्तेमाल करने से हमारे शरीर में डैमेज हुए सेल को पुनः जीवित करने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है। तो हल्दी का आप पानी में डाल के उस पानी को उबाल के उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट आता है ब्रोकली। ब्रोकली का इस्तेमाल आपके लीवर के लिए बहुत ही हेल्दी होता है। ब्रोकली में ग्लूकोसाइनोलेट्स होते हैं जो आपकी बॉडी से कार्सिनोजेंस और दूषित पदार्थों को बाहर निकालने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। तो आप ब्रोकली का इस्तेमाल वीक में कम से कम 3 बार एक बाउल ज़रूर खाएं। इससे आपका लीवर हेल्दी रहेगा और आपके लीवर में जो इकट्ठे होने वाले दूषित चीज़ें हैं उनको भी रिमूव होने में हेल्प मिलेगी। तो ये थे आपके लीवर को डिटॉक्सिफाई करने के कुछ चीज़ें जो आप अपनी डाइट में ऐड कर सकते हो। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जाके सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।